तो देख सकते हैं मस्त एकदम गांव का। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे हो गाइस। तो अभी मैं शाम को ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा पर्सनल काम था तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो अभी शाम को मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं शाम में कल सावनवी जो है हमारे घर में आ गई है और अभी देख सकते हैं कुछ स्टाफ को यहाँ पे मतलब कि बदमाशी करने के लिए खड़ी हो गई है और साथ में हमारी बेटी जो है यहाँ पे बॉल खेलने के लिए स्टार्ट हो गई। मतलब शाम हो गया गाइस, यहाँ पे 5 बज गए हैं और 5 बजे शाम को क्या हो रहा है हमारे घर में अभी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ बन रहा है बादाम, जा रहा है मतलब कि गर्मा गर्म बादाम और वाइफ जो है बादाम भून रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग बैठेंगे छत पे भाई शाम को, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे घर में काफ़ी गर्मी लगती रहती है। शाम में थोड़ा सा छत पे बैठते हैं तो थोड़ा सा मन भी भर जाता, तो फैमिली पूरा बैठेगी हमारे छत पे और बादाम जो भुना जा रहा है हमारे घर में बैठ के पूरी फैमिली खाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो थोड़ी देर में बादाम, अरे आपको ना पेट में दर्द होता है, मेरे को तो दर्द नहीं होता है ना। जिसको दर्द होता है वो काला नमक छूट के खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर, ठीक है। तो भाई सानवी को पेट में दर्द होता है तो उसको काला नमक छिटवा कर खिलाएंगे जरूर। तो चलते हैं, थोड़ा देर में बादाम हमारा भुना जाएगा तो छत पे मिलेंगे गाइस और अपना जो गार्डन है उसको भी घूमेंगे और फैमिली के साथ बैठ के वहाँ पर बादाम खाएंगे हम लोग अभी। सो फाइनली गाइस, यहाँ जो हमारा बादाम है वो अच्छे ढंग से भुन गया और वाइफ यहाँ देख सकते हैं गर्मा गर्म शाम के समय बादाम हाथों में देते हुए, तो हम और सानवी खाइएगा ना लपेटेंगे भाई छत पे बैठ के। तो चलते हैं छत पे और मस्ती में एंजॉय करेंगे, मतलब गार्डन में बैठ के खाने का अलग आनंद मिलता है। तो भैया आप लोग भी गार्डन बनाइए ना और नेचर के साथ रहिए, तब ना मजा आएगा। पैसा कमाने से कुछ ना होता, सही ना, एंजॉय करिए, चलते हैं छत पे। सो फाइनली गाइस आ गए हम छत पे, तो भैया देख सकते हैं हमारा गार्डन और शाम के समय आज हो गया है बादल, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट आज बना हुआ डालते हैं आज का। और देख सकते हैं यहाँ पे वाइफ जो है बैठ करके अपना बादाम फोड़ करके खाने लगी, तो चलिए उसका हम भी साथ देते हैं और दोनों प्राणी बैठ के खाते हैं। तो गाइस शाम के 5 बजे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम आज किया हुआ है और थोड़ा सा अगर गार्डन आपको दिखा दे तो अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि देख सकते हैं हमारा जो आज अडेनियम है वो काफ़ी अच्छा फ्लोरिंग कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं वाइट रंग के आपको अडेनियम दिख रहे होंगे और इसी में देख सकते हैं मेरा जो रेड कलर का अडेनियम है, दोनों साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और उसी के बगल में देख सकते हैं हल्का सा पिंक है और डीप पिंक, दोनों एक ही प्लांट में आपको अडेनियम यहाँ पे दिख रहा होगा। इस साइड में ना देख सकते हैं डीप रेड और हल्का सा पिंक आपको अडेनियम यहाँ दिख रहा होगा। और मेरे जितने भी अडेनियम थे अभी रोजी वैरायटी के अडेनियम भी यहाँ पे खिलने लगे, देख सकते हैं ब्लैक, डीप ब्लैक प्लस रेड दोनों मिक्स एक ही में है। और यहाँ भी देख सकते हैं हमारा अडेनियम जो है मस्त कलर का अडेनियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा कलर है गाइस, देख सकते हैं मस्त कलर आपको यहाँ पे अडेनियम का दिख रहा होगा। और यहाँ भी देख सकते हैं हमारा रोजी वैरायटी का अडेनियम भी शाम के समय मस्त दिखने लगे, तो टोटली हमारे अडेनियम यहाँ से देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। और यहाँ एक और हमारा रोजी वैरायटी का अडेनियम देख सकते हैं खिला हुआ है, टोटल इस साइड हमारा जो अडेनियम का प्लांट है वो काफ़ी अच्छे फ्लोरिंग कर रहा है। सबसे अच्छा रोज, सबसे ज़्यादा रोज नहीं खरीदे हैं, यहाँ पे मिक्सिंग प्लांट है हमारे पास, पूरा प्लांट की वैरायटी है। इस साइड हमारा पूरा रोज मतलब कि टोटल 25 वैरायटी के यहाँ पे रोज है गाइस, देख सकते हैं एकदम मस्त वैरायटी के रोज मैंने लगाए हुए हैं। तो भाई शाम के समय मन नहीं लगता तो भाई अपने में गार्डन में घूमने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, और सुबह सुबह मॉर्निंग में भी अपने गार्डन में घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए बात तो बहुत सारी हो गई, अब आता है हमारा बादाम खाने का। तो देख सकते हैं वाइफ यहाँ पे शुरू कर दी और मेरा तो मैं भी शुरू कर दी लेकिन टूटा नहीं जा रहा क्यों। तो देख सकते हैं मस्त एकदम गाँव का बादाम है जो कि अभी गर्मा गर्म भुना करके वाइफ यहाँ पिलाई है, तो भाई गर्म है नहीं, अब गर्म है तो भाप तो इसमें दिखा नहीं सकते कि भाई बिग रहा है, लेकिन ये छूने से गर्म लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम फोड़ के खाते हैं, तो भैया खाने में काफी मजा आता है। तो देख सकते जाए बादाम के साथ काला नमक भी यहाँ पे ले लिया है मैंने और एक
खाओ हमको भी। और ऐसा मिर्ची भी है जो कि बादाम खाने में काफी मजा आएगा। तो वाइफ तो यहाँ पे फोड़ के दे रही है क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा हूँ तो ले लिया हूँ तो फोड़ूंगा कैसे, तो वाइफ दे रही है यहाँ पे बादाम। मुझे फोड़ नहीं आता है। आपको कोई नहीं देगा खाने में? आपको अच्छा होता तो शाम के समय घर में बैठ के परिवार के साथ बादाम खाने का अलग ही मजा आता है, जैसा कि मेरे को मजा मिल रहा है। तो आज है गाइस छठ, तो जिनके यहाँ छठ हो रहा होगा मेरे तरफ से भाई छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और उनको दिल से प्रणाम। और यहाँ पे देख सकते हैं हम और अपनी वाइफ और सानवी तीनों प्राणी बैठ के बादाम खा रहे हैं गाइस। तो शाम के समय छोटा सा सोचा कि ब्लॉग बना लूँ मैं, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा काम कर रहा था ब्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो फाइनली हम खाते हैं बादाम बैठ करके। आप लोग भी अगर छठ हो रहा हो तो छठ पे खीर उर खाइए, थोड़ा देर में हम लोग भी खीर खाने निकलेंगे अगल बगल जहाँ पे छठ का पूजा हो रहा है वहाँ। तो फाइनली गाइस छोटी सी ब्लॉग थी आज, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।